टी20 चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया की वतन वापसी, दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए फैंस। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे टी20 विश्व कप विजेता टीम से मुलाकात, खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री करेंगे सम्मानित। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मुंबई रवाना होगी टीम इंडिया, खुली बस में ट्रॉफी के साथ सड़क पर निकलेगा टीम इंडिया का काफिला। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को दिया जाएगा बनारस का खास तोहफा, बुनकरों ने तैयार की खास तरह की बनारसी साड़ी। आईसीसी ने जारी की टी20 खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग, ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर एक पर काबिज हुए हार्दिक पांड्या, दूसरे स्थान पर हसरंगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मॉनसून के पहले की बारिश मुसीबत बनी, शहर में जगह जगह पर जलभराव की स्थिति। उत्तराखंड के लालकुआ में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, रेलवे स्टेशन पर जलभराव, ट्रैक पानी में डूबा तो कई मोहल्लों में भरा बारिश का पानी। केदार घाटी में मुसीबत बनकर बरसी है बारिश, रूमसी में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ, स्कूल जाने वाला रास्ता भी तबाह। गुरुग्राम में जल प्रलय जैसे हालात हैं, आधे घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, सिवर लाइन से पानी का ओवरफ्लो हुआ, तालाब नजर आ रही सड़कें। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मूसलाधार बारिश हुई, बरसाती नदी नालों में आया उफान, मंडी शहर से गुजर रही ब्यास नदी भी उफान मारकर बह रही। गुजरात के जूनागढ़ जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, जिले के कई गांव में भरा बाढ़ का पानी। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, ग्लेशियर पिघलने की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। मुरादाबाद में बारिश की वजह से बढ़ी मुश्किल, भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव की स्थिति, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। जयपुर में भी मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई शहरवासियों की परेशानी, बारिश की वजह से शहर में जलभराव। बिहार के मुजफ्फरपुर में बरसात के मौसम की शुरुआत होते ही बढ़ी मुश्किल, पानी की तेज धार में बह गया पुल। बिहार में फिर से हादसा हुआ, सिवान मुजफ्फरपुर और छपरा में गिरे पुल, सिवान में भारी बारिश की वजह से 35 साल पुरानी दो पुलियां गिरी। हाथरस की घटना को लेकर देर रात मैनपुरी में बाबा के आश्रम में करीब 1.5 घंटे रुकी रही पुलिस, एसओजी टीम के साथ पहुंचे थे एसपी सिटी राहुल मिठास और दूसरे पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आश्रम के बाहरी हिस्से में देखने गए थे कि अपनी सिक्योरिटी, केवल बाहरी हिस्से की जांच की, बाबा आश्रम में नहीं केवल हैं करीब 50 सेवादार। मैनपुरी के बिछुआ गांव में भोले बाबा का आश्रम है, करहल सर्किल के डिप्टी एसपी ने कहा बाबा आश्रम में हैं या नहीं इसकी सूचना नहीं। हाथरस में हुए हादसे के दिन दोपहर 1:40 पर घटनास्थल से निकल गया था बाबा, पुलिस को कॉल डिटेल से मिली जानकारी। कॉल डिटेल के मुताबिक दोपहर 3 बजे से लेकर 4:35 तक मैनपुरी का आश्रम में ही बाबा की लोकेशन मिली थी, इस दौरान 3 नंबरों पर बात हुई थी। हाथरस घटना की हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी जांच करेगी, रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार आयोग के सदस्य हैं। हाथरस की घटना के पीछे सीएम ने जताई साजिश की आशंका, अखिलेश पर भी साधा निशाना, कहा दर्दनाक घटना हुई और कुछ लोग राजनीति कर चोरी और सीनाजोरी कर रहे। हाथरस हादसे पर बाबा नारायण साकार हरि की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, चिट्ठी जारी कर कहा मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना। हाथरस हादसे को लेकर भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा आयोजित सत्संग में मची भगदड़ और 121 लोगों के मारे जाने के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ होने का संदेह। यूपी के डीजीपी ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग टीम, लखनऊ सहित 10 जिलों में बाबा के सेवादारों के बारे में जानकारी। संभल की एक महिला की भी हाथरस के सत्संग में हादसे में मौत हुई, आज कर दिया गया था अंतिम संस्कार। हाथरस में मची भगदड़ में फंसी महिला ने लोगों की मौत पर बाबा से पूछे सवाल, पिछले 8 सालों से लगातार बाबा के सत्संग से जुड़ी रही है महिला। हाथरस मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज जारी है, अपनों की तलाश में लगातार पहुंच रहे परिजन। हाथरस के सत्संग से वापस नहीं लौटे लोगों की तलाश में परिजन, अलीगढ़ में युवकों ने कहा उनकी मां का नहीं मिला सुराग। हाथरस हादसे में घायल लोगों को
परिजनों का भी उन पर आरोप है। प्रशासन ने किया था वादा, इलाज का खर्च नहीं लगेगा लेकिन देने पड़ रहे पैसे। भोले बाबा ने बनाई थी नारायणी सेना, ड्रेस कोड में होते थे महिला और पुरुष गार्ड, सभी को दिया गया था कोड वर्ड और अलग जिम्मेदारी। मैनपुरी में बाबा का आश्रम, आश्रम से ठीक सामने ही आइडियल महाविद्यालय की बिल्डिंग है जिसमें बाबा ने बना रखा था अपने कार्यक्रम का बैकअप रूम। मैनपुरी में एबीपी के सवालों से भागे बाबा के सेवादार, आश्रम से निकली गाड़ी में सवार थे 6 सेवादार। हाथरस के कार्यक्रम को लेकर लगाए गए पोस्टर में दिख रहा संजू सफाई कर्मचारी के पद पर है तैनात, आयोजन स्थल के पास फुलरई गांव का रहने वाला है शख्स। कासगंज की पटियाली तहसील के बहादुर नगर में बाबा का पैतृक घर है, आलिशान गाड़ियों से चलने वाला बाबा के इस घर में रखी है साइकिल। संभल जनपद में भी बना हुआ है भोले बाबा का करोड़ों का आश्रम, सेवादारों ने बताया पत्नी के नाम है आश्रम। इटावा के कटेखेड़ा गांव के पास भी बना है भोले बाबा का सत्संग और प्रवास स्थल, करीब 3 साल पहले बने लगभग 15 बीघा में बने सत्संग स्थल पर हुए छोटे मोटे कार्यक्रम। कासगंज में बाबा के साथ पढ़े और साथ में पुलिस की नौकरी किए राजेंद्र मौर्य ने एबीपी न्यूज को बताया 8वीं पास से सूरजमल उर्फ भोले बाबा। आगरा में साल 2000 में अरेस्ट हुए थे भोले बाबा, सामने आई एफआईआर की कॉपी, चमत्कारी उपचार और अधिनियम के तहत हुआ था मुकदमा दर्ज। पीलीभीत के सत्यगिरी महाराज का आरोप है 2011 में भोले बाबा के सत्संग को लेकर कहा बंधक बनाकर उनके साथ हुई थी मारपीट। हाथरस में हुए घटना को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शोक जताया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा शोक संदेश। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, मेरे लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चुनावी जीत या हार का पैमाना नहीं, कांग्रेस ने अब भ्रष्टाचारी बचाव आंदोलन चलाना शुरू किया। पीएम के भाषण पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा, आज भी मणिपुर के लोग पूछ रहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का राजनाथ सिंह पर आरोप, कहा रक्षा मंत्री ने शहीद अग्निवीर के परिवार को मदद मिलने के बारे में सदन में झूठ बोला। भारतीय सेना ने एक पोस्ट में कहा अग्निवीर अजय के परिजनों को दिए 98,39,000 रुपए, करीब 1,65,00,000 रुपए की होगी कुल मदद। झारखंड के नेतृत्व में एक बार फिर बदलाव, चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अब उनकी जगह हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रांची में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में सीएम पद के लिए हेमंत सोरेन के नाम पर बनी सहमति। रांची में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 14वीं बैठक है, झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि होंगे शामिल। बलौदा बाजार हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ में आम सभा करेंगे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, सतनामी समाज के साथ दिखाएंगे एकजुटता। भोजशाला मामले पर आज होगी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट मामले में एसआई सहित दूसरे पक्षों को भी सुनेगा। ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई आज है, मामले में राउंड रेवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाई गई, राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत की अवधि। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, झारखंड के धनबाद से साजिशकर्ता अमन गिरफ्तार हुआ। राज्यसभा में पीएम ने कहा अच्छा होता विपक्षी नेता पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर राय रखते। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नीट पेपर लीक को लेकर सड़क पर उतरे हुए दिखाई दिए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता। नीट पेपर लीक को लेकर कोलकाता में सीबीआई की छापेमारी हुई, झारखंड से जुड़े अमित नाम के शख्स के ठिकानों पर पहुंची सीबीआई। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर काला जठेड़ी की मां की मौत, धोखे से दवाई समझकर खा ली थी कीटनाशक दवा। बिहार के झंझारपुर में मां बेटी की हत्या हुई, पुलिस ने हत्या के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में राजस्थान में हुई गिरफ्तारी के बाद माफिया में खौफ, मोस्ट वांटेड सुरेश ढाका ने सरेंडर के लिए एसओजी से किया संपर्क। जोधपुर में बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, दो बच्चियों की भी गला दबाकर हत्या की गई।
देहरादून में पकड़ा गया फर्जी कॉल सेंटर, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में चल रहा था फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर, कॉल सेंटर से विदेश में लोगों के कंप्यूटर में भेजा जाता था वायरस। फतेहपुर में 9 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा हुआ, मदरसे के 2 मौलवी गिरफ्तार किए गए। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में युवक ने लड़की को मारी गोली, प्रेम प्रसंग की वजह से वारदात को अंजाम दिया। मुरादाबाद में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, 26 जून की रात लड़की को अगवा करने आए थे 6 बदमाश। ग्रेटर नोएडा में किसानों का प्रदर्शन हुआ, बैरिकेटिंग तोड़ कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे किसान। पिछले साल किसानों को मिला था उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा, मगर अभी तक पूरी नहीं हो पाई किसानों की मांगें। गुजरात के राजकोट में हादसा हुआ, नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। हरिद्वार के सलेमपुर में प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में आग लगी, देर शाम आग पर पाया जा सका काबू। कर्नाटक में निर्माण स्थल पर भूस्खलन हुआ, काम करते समय मिट्टी में दबे कई मजदूर। 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, शादी से पहले मुंबई में मामेरू रस्म अदा की गई। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के दौरान मदद कर रही है पुलिस, जगह जगह पर यात्रियों की मदद के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई गई। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं, 2 दिन तक चलेगा रथ यात्रा का उत्सव।